तो ये रहे भाई आप लोगों के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ओ भाई चचा क्या कर रहे हो भाई। हे गेमर्स कैसे हैं आप सभी लोग, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे एन के गेमिंग पॉइंट में। एंड देख रहे हो आप माइकल को, यानी कि मेरे को, मैं माइकल बन चुका हूं। तो गाइज आप लोगों ने पिछले वाली एपिसोड में देखा कि भाई कैसे क्या हो गया, स्प्लेंडर बाइक उसने ले ली, यानी कि फ्रैंकलिन ने जेल से छूट के आया है। तो अभी एक मैंने उस टाइम बोल दिया था आप लोगों से कि भाई फ्रैंकलिन को एक नया मिशन मिलने वाला है जो होगा लेस्टर के द्वारा मिला है कि भाई प्रेसिडेंट को मारना, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को। यार डोनाल्ड ट्रंप यार कुछ भी बोलो, मेरे को हंसी आ रही है इस नाम से सुन के, ठीक है। तो समझ जाओ बहुत फनी नेम है इसका, मतलब मैं ट्रंप बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रंप को मारना है, ठीक है। वो आए हैं भाई प्रेसिडेंट जो है आपके लॉस सैंटोस में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। हालांकि अभी तो वो मतलब यार अभी करंट में तो नहीं है प्रेसिडेंट, बट अभी हम लोगों को जाना है। इस वाली बाइक दिया है लेस्टर ने मारने के लिए। अब भाई उसने बोला लेस्टर ने कि भाई एक यूनिफॉर्म भी मैं देता हूँ, तो मैं भाई यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ेगा। अभी देखो मौसम भी उतना अच्छा खासा नहीं है, कुछ देर बाद हम लोग जाने वाले हैं एंड मौसम जो अच्छा हो जाएगा तो ये जो फ्रैंकलिन को मिला था ये मिशन। बट लेकिन भाई ये जो माइकल बोला कि मैं ले लेता हूँ, क्योंकि फ्रैंकलिन को अभी खतरा हो सकता है, वो अभी जेल से भाग के आया है, तो भैया यार छिपना जरूरी होगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, कपड़े चेंज करेंगे, कुछ देर वेट करेंगे एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे मिशन पर। मिशन जो है भैया प्रेसिडेंट को मारना है जो है डोनाल्ड ट्रंप। तो भाई ट्रंप को मारना बहुत ही खतरे वाली बात हो जाएगी, वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट होने वाली है। तो अभी हम लोग जाएंगे, अभी कपड़े भाई चेंज कर लेंगे, जिम्मी घर पे नहीं है। एंड भाई देख रहे हो जिम्मी का सेटअप टूर मस्त है भाई घर उसका। तो अभी जिम्मी तो घर पे नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं भाई, चोरी छुपे निकल जाना है। अभी ड्रेस मेरे को चेंज कर लेनी है, ड्रेस लेस्टर ने बोला था कि ड्रेस जो है भाई तुम चेंज कर लेना पुलिस वाली। एंड उसने एक बाइक भी प्रोवाइड कर दी है, बाइक से हम लोग जाने वाले हैं। तो ड्रेस देखो मेरे पास भाई आउटफिट में बहुत सारे कपड़े हैं, तो कपड़ों में मैं भाई ये देखो ये भी अच्छा है, बट ये मेरे को उतना मतलब कूल नहीं लग रहा। ये वाली मस्त लग रही है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है अच्छी। मेरे को ये व्हाइट वाली मस्त लग रही है, ये वाली व्हाइट वाली काफ़ी धांसू लग रही है भाई। ऐसे जाएंगे कि भाई सच में पुलिस वाले हैं एंड डायरेक्ट ट्रंप को मार देना है। तो भाई यहाँ से हम लोग तो देख लेते हैं एंड भाई जाके मारना में मेरे को बहुत मजा आने वाला है। तो अभी हम लोग वहाँ से फटाफट से निकलते हैं एंड भाई देखो काफ़ी मस्त मिशन मेरे को लग रहा है, ये लेस्टर के द्वारा ये मेरे को मिशन मिला है। एंड भाई साहब पानी चांदी चांदी होगी अगर हम लोग उसको मार देंगे, क्योंकि काफ़ी सारा पैसा मिलने वाला है गाइज। तो फटाफट से हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं, लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जहाँ पे आपको डोनाल्ड ट्रंप मिल जाएंगे। अभी भाई लैंड कर चुका है प्लेन वहाँ पे भाई, वहाँ पे फ्रेंड्स प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। एंड ये रहा भैया मेरा लैम्बोर्गिनी एंड उसके साथ स्विफ्ट डिज़ायर, मतलब स्विफ्ट डिज़ायर मत को स्विफ्ट कार ही बोल सकते हो, दोनों को भाई हम लोगों ने इम्पोर्ट कराई थी, एक चोरी की है ठीक है जिम्मी द्वारा चोरी, मतलब जिम्मी के कहने पर भाई हम लोगों ने ये टेक्नो गेमर्स की चुराई थी। तो आपने वीडियो नहीं देखा तो फटाफट से देख लेना। एंड ये जो स्विफ्ट थी हम लोगों ने सिमियन के द्वारा इम्पोर्ट कराई थी इंडिया से। एंड ये तो फरारी भाई फ्रैंकलिन ने दे दिया मेरे को। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं इस वाले बाइक से, काफ़ी मस्त बाइक दिया है भाई उसने, बोला कि जस्ट मतलब लगना है कि भाई पूरी तरह पुलिस वाले हो। और देखो सायरन वगैरह सारा चीज़ बज रहा है, जैसे रोड पे हम लोग जाएंगे तो भाई सारे बंदे आगे से हट जाएंगे, भाई पुलिस आ रही है इमरजेंसी में है। तो फटाफट से हम लोग यहाँ से मार्क कर लेते हैं लोकेशन कहाँ पे हम लोगों को जाना है, फिर हम लोगों को पता चल जाएगा। ये देखो इधर लेस्टर ने बताया था, बट हम लोग जाएंगे भाई पूरा एयरपोर्ट पूरा सिक्योरिटी से टाइट होगा भाई, यार मज़ा आएगा। पहले चलो हम लोग को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, क्योंकि भाई देखो पुलिस वाला ड्रेस है, ओ भाई हट जा, पुलिस वाला ड्रेस है, कोई बोलेगा नहीं कि हाँ भाई कौन बंदा आ गया ऐसे ऐसे घुस गया। भाई वहाँ पे पूरी सिक्योरिटी टाइट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है भाई, डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और बंदे बहुत सारे आए होंगे, बड़े बड़े लीडर्स आए होंगे। तो अभी हम लोग जाएंगे वहाँ पे सारा, ओ भाई सारा चीज़ पता चल जाएगा कि कैसे क्या करना है। तो अभी हम लोग फटाफट से चलते हैं वहाँ पे एंड भैया आज हम लोगों को शूट करना है डोनाल्ड ट्रंप को, भाई प्रेसिडेंट है भाई, अभी तो करेंट मेरी है बट पहले थे अभी भाई जॉन बिडेन शायद बन चुके हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट। तो अभी हम लोग फटाफट से चलते हैं भाई उनको मारना है कैसे भी भाई, पट से हेडशॉट। अभी देखते हैं भाई पट से हेडशॉट लगता है या आरपीजी का यूज़ करना पड़ेगा। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे, नीचे जाना है भाई काफ़ी, मतलब यार इधर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होती है, मतलब होती है बट पैसेंजर वहाँ पे हमेशा खड़े होते हैं भाई जाने के लिए। तो अभी हम लोग तो आ चुके हैं भाई, सायरन बज रही है, सारे बंदे आगे से हटते जा रहे थे, काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी मज़ा आया पूरे मतलब रास्ते में। एंड अभी हम लोग जाने वाले हैं, देख लो आ चुके हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं है मेरे को, तो चलो भाई चलते हैं। एंड भाई मारने में बहुत मज़ा आने वाला है, अभी देखते हैं मतलब कैसा इंटरफेस होता है, सिक्योरिटी वगैरह कैसी होती है
एंड भैया डोनाल्ड ट्रंप को देखने में मजा आएगा, पहली बार देख रहे हैं भाई। लॉस सैंटोस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बंदा पहली बार आया, इसको तोड़ के भाई अंदर, ये तो ऑटोमेटिक खुलता है। चलो यहाँ पे सायरन ऑफ कर लिया है मैंने, क्योंकि भाई प्रॉब्लम आ सकती है, वो लोग बोलेंगे कि भाई अभी भी ऑफ है। यार ऑफ हो जा, क्या कर रहा है भाई, ऑफ हो गया। चलो ओके, तो हम लोग भाई एंटर कर चुके हैं। अब मेरे को उधर बहुत सारे पुलिस वाले लग रहे हो भाई, हेलीकॉप्टर भी आसमान में उड़ रही है। चलो चलते हैं अभी जाके, मेरे को सारा चीज़ पता चल जाएगा, ठीक है, कि कितने बंदे हैं, क्या कर रहे हैं और कैसे, मतलब है भाई बहुत सारे बंदे मेरे को दिख रहे हैं। ओ तेरी, ओ भाई साहब इतनी टाइट सिक्योरिटी है, पहले बाइक साइड में लगाते हैं वरना बोलेंगे भाई बाइक लेके हिल जाता। ये देखो क्या बोल रहा है, बाइक लेके अंदर जाने की एंट्री मेरे को दे रहे हैं, शायद कुछ बोल नहीं रहे हैं। चलो भाई, ओ भाई आगे जाना मत वरना चल जाएगी हवा देखे। देखो यहाँ पे भाई पूरी तरह से टाइट सिक्योरिटी है एंड भाई यहाँ पे पूरी टेस्टिंग हो रही है यार, अंदर जाने का मतलब कोई भी गन लेके घुस नहीं सकता अंदर। ये देखो भाई भैया जी टकलू वाले, भाई यहाँ पे देखो गार्ड वगैरह खड़े हैं, ये है भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंदे आ रहे हैं बट इनको जाने नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्यों। एंड यहाँ पे चेकिंग वगैरह चल रही है, बंदे FIB मतलब क्या होता है भाई, हमारे यहाँ CBI होती है। चलो यहाँ पे भाई न्यूज़ वाले भी आए हैं, ये देखो ओ तेरी भैया, ये देखो डोनाल्ड ट्रंप भाई भाषण दे रहे हैं, मज़ा आ गया देख के। चलो भाई सामने से कुछ देखते हैं, मज़ा आएगा। चलो तो ये रहे भाई आप लोगों के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ओ भाई चचा क्या कर रहे हो भाई, कुछ तो बता दो भैया, खांस रहे हैं अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और देख रहे हो बॉडी गार्ड, ये रहा US एयरफोर्स का भाई विमान एंड इसी से भाई आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, आपके प्रेसिडेंट, पूर्व प्रेसिडेंट बोलो भाई, हट चुके हैं जॉन बिडेन नए आए हैं। तो ये तो सही है भाई, काफ़ी टाइट सिक्योरिटी है एयरफोर्स वाले। ओ तेरी ऊपर भी भाई इतनी सारी, बाप रे बाप, भाई साहब इतनी सारी, मतलब बहुत पूरी तरह से टाइट सिक्योरिटी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अभी हम लोग देखते हैं कैसे क्या जाना है भाई, सारे ओ भाई सारा मतलब हर कार में एक बंदा बैठा हुआ है। यहाँ पे देखो क्या चल रहा है, ओ भाई एयरफोर्स वाले तो भाई पूरे मतलब टूट पड़े हैं एयरपोर्ट पे, देख रहे हो यहाँ पे भाई, मतलब यार एक गोली पड़ेगी तो भाई पूरा भून देंगे। और यहाँ पे क्या चल रहा है भाई, ट्रेनिंग चल रही है का भाई, देखो रहे हो भाई एयरफोर्स वाले आर्मी वाले भाई एंड भाई सारे मतलब यार इनकी पूरी सेना आ चुकी है यहाँ पे, आएंगे भी भाई इतने बड़े नेता आए यहाँ पे। ओके यहाँ पे भी है, मेरे को एक आइडिया आ रहा है, मैं ऊपर चढ़ जा रहा हूँ, ऊपर जाने के बाद मेरे को सारा व्यू मिल जाएगा कैसे क्या करना है। तो फटाफट से मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर चढ़ जाऊँ एंड छत पे से सारा बंदे को, पहले दो तीन बंदों को मैं मार दूंगा या डायरेक्ट शूट करके भाई, एंड उसके बाद देखते हैं अभी क्या होता है। पहले ऊपर जाते हैं एंड वहाँ पे मेरे को सारा व्यू मिल जाएगा कि कैसे किस बंदे को मेरे को मारना है, किल करना है या क्या करना है। अभी पहले ऊपर चढ़ते भाई, इतनी ऊँची बिल्डिंग पे कैसे चढ़े भाई साहब, इस पे बंदे चढ़े हुए भाई, देख रहे हो स्नाइपिंग कर रहे हैं भाई और उससे भाई स्कोपिंग वगैरह सारा चीज़ कर रहे हैं। ऊपर से तो मेरे को सारा व्यू मिल जाएगा, देख रहे हो नीचे वाले सारे चीज़ मिल रहे हैं बट भाई ऊपर एक हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा है, उससे भाई बच के रहना पड़ेगा यार, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देख रहे हो बंदा स्नाइपिंग कर रहे हैं दो बंदे, ऊपर भाई हेलीकॉप्टर भी है तो उस हेलीकॉप्टर से भाई बच के रहना यार। देख रहे हो यहाँ से सारा चीज़ मेरे को नज़र आ रहा है, अगर मैं एक RPG यहाँ से मार देता हूँ तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी, सारे बंदे वहाँ पे मर जाएंगे, लेकिन ये तीन बंदे भाई मेरे छक्की छोड़ा सकते हैं। यहाँ पे क्या रखा है, ओके तो इधर तो कोई, मेरे को एक दिमाग में आ रहा है कि हेलीकॉप्टर उस साइड लगी होगी, हेलीकॉप्टर लेके आके यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ भाई हेलीकॉप्टर लेके आऊँगा, ठीक है, और हेलीकॉप्टर ला के इस वाले छत पे लैंड करा दूंगा एंड एक गोली बुलेट मारूंगा स्नाइपर से डोनाल्ड ट्रंप के माथे में एंड उसके बाद भाई देख लेंगे क्या होता है। भाई हेलीकॉप्टर लेके उड़ जाएंगे भाई, क्या बोलूँ, चलो चल जा भाई, कूद जा भाई, कूदना मत मर जाएगा साला, उतर यहाँ से। चलो तो मेरे को दिमाग में एक चीज़ आई है, हेलीकॉप्टर लेके मैं आ रहा हूँ यहाँ पे एंड उसके साथ भाई हेलीकॉप्टर लेके हम लोग लैंड करा लेंगे वहाँ पे एंड भाई एक RPG मारूंगा या स्नाइपर से मारूंगा एंड उसके बाद भाई जय श्री राम बोल के यहाँ से कट ले लेना है, ठीक है, हेलीकॉप्टर उड़ा के। तो मैं फटाफट से अपने भाई बाइक पे जाता हूँ एंड एयरपोर्ट पे तो भाई दो तीन हेलीकॉप्टर ऐसे ही लगे रहती है, पुलिस वालों के भी हो सकते हैं, कुछ वाले के देख रहे हो भाई, हर बंदा मतलब हर गाड़ी में एक बंदा रेडी है, जैसे कोई मतलब इमरजेंसी आए भाई, इमरजेंसी जो भी हो, वो भाई मारना मत यार, जैसे भी कोई भाई खतरा महसूस हो उठा के प्राइम मिनिस्टर या भाई प्रेसिडेंट को उठा के चल देना यहाँ से। तो यहाँ पे भाई प्राइम मिनिस्टर की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है एंड यहाँ पे भाई गड्डी वड्डी सारा चीज़ तैयार है। तो अभी मेरे को यहाँ से निकलना है, ठीक है, यहाँ पे तो चेकिंग चल रही है, कोई मेरे को बोलेगा नहीं क्योंकि मैं पुलिस वाले के ड्रेस बन के मतलब यहाँ पे आउटफिट पहन के आया हूँ, तो वो लोग भी सोच रहे होंगे भाई क्या यार पुलिस वाला है क्या बोलना है।
तो फटाफट से हम लोग चलते हैं उधर, कोई ना कोई एरोप्लेन, या एरोप्लेन नहीं है भाई, एरोप्लेन ऊपर कैसे हम लोग लेके आएंगे। तो हेलीकॉप्टर सामने मेरे को दिख रही है, तो हेलीकॉप्टर भाई उठा लेंगे। देखो यहाँ पे एरोप्लेन भी है, बट एरोप्लेन नहीं, हम लोगों को हेलीकॉप्टर से मतलब है। मैं सोच रहा हूँ ये तो काफ़ी बड़ी एरोप्लेन, मतलब हेलीकॉप्टर लग रही है, तो ये वाली छोटी सी है भाई, तुरंत ही लैंडिंग कराएंगे, दो बंदों को मारेंगे, तीसरा बंदा डोनाल्ड ट्रंप को उड़ाएंगे एंड फटाफट से निकलते बनेंगे। तो ये वाली हेलीकॉप्टर जो चॉपर है मस्त लग रही है, चलो इसको ही निकलते हैं भाई। इसी वाली हेलीकॉप्टर के यूज़ करके भाई हम लोगों ने फ्रैंकलिन को जेल से निकाला भी था। आप लोगों को वीडियो नहीं देखनी है भाई, आप लोगों को याद नहीं है तो वीडियो देखो जाके भाई, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आप लोगों को। तो अभी हम लोगों को कैसे भी जाके भाई उस वाले बंदे, मतलब उस छत पे जाके लैंड करा देना है। ओ भाई इसमें भाई, मतलब यार इसमें आ रहा है एरो का, मतलब ये जो कर्सर आ रहा है, मतलब इस पर हम लोग मार भी सकते हैं। बट एक भी बुलेट बाई चांस निकल गई यहाँ से तो भाई बहुत पंगा हो जाएगा। तो फटाफट से मैं यहाँ पे लैंड कराता हूँ। ओके कोई बोल नहीं रहा है अभी। ओ भाई आराम से। तो अभी लैंड तो हो चुकी है, बट आगे खतरा बहुत ज़्यादा है। चलो पहले मैं सोच रहा हूँ इन तीनों को टपका डालूँ भाई। टपकाने के पहले भाई सोच लेना पड़ेगा कुछ भी। तो यहाँ पे तो स्नाइपर है इनके पास, मैं सोच रहा हूँ गन निकालूँ या ना निकालूँ, यार मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर गन बाई चांस निकाल के इन लोगों पर मैं एम कर दिया तो भाई पूरी तरह से भड़क जाएंगे एंड इन लोगों के पास सायरन वगैरह होगी भाई, बजा देंगे। एंड ऊपर भाई एक हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा है तो उससे भी बच के रहना पड़ेगा भाई। एंड यहाँ पे सामने भाई सारा इंटरफेस लग रहा है। पहले मैं सोच रहा हूँ कि गन निकाल ही लूँ, एंड गन निकालने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि भाई सारे बंदों के पास गन है, जितने भी पुलिस ऑफिसर है। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि भाई पुलिस ऑफिसर के पास गन है तो मैं भी ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्नाइपिंग करके देखते हैं भाई यहाँ से कैसा इंटरफेस होता है। भाई देखो मैंने हाथ में ले लिया है, बट जैसे एम करूँगा पता चल जाएगा कि बंदे भड़क रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो अभी मैं देखो एम कर रहा हूँ। ओके भाई कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बहुत मस्त वहाँ पे भाषण चल रही है, बंदे यहाँ पे मौजूद है। जैसे भी फायरिंग करूँगा भाई देख रहे हो इमरजेंसी के लिए बंदे खड़े हैं, वैसे भाई प्रेसिडेंट को अपनी कार में बैठा के भाग जाएंगे लेके। तो अभी देखते हैं सारे चीज़ यहाँ पे चल रही है, बट मेरे को मारना भी है। मैं सोच रहा हूँ पहले तीनों को मारूँ, बट फिर यार मैं क्या बोलूँ, पहले मैं ट्रंप को मारता हूँ ठीक है। तो अभी ऊपर भी हेलीकॉप्टर है, इससे भी बच के रहना है, ये भी भाई एम लगा के बैठा होगा चारों तरफ से। तो यार क्या बोलूँ, चलो तो मैं फटाफट से इस वाले बंदे भाई मारना है कैसे, पट से हेडशॉट मारता हूँ। ओके मेरे को डर लग रहा है भाई, डर लग रहा है। ओ भाई चुप गया भाई साहब, चुप गया। ओ हो तेरी, फाइनली भाई मार दिया मैंने, भाई मार दिया है। और भाई यहाँ से पहले फुर्सत में निकलना पड़ेगा मेरे को। ओ तेरी इतनी सारी पुलिस, पहले दो चार को टपकाना पड़ेगा, बुलेट्स पड़ रही है मेरे को। मैं आरपीजी हाथ में लेने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई आरपीजी कहाँ गई यार? अबे यार तू किधर से आ गई? ये ले भाई तू खड़ा है क्यों? भाई बंदे आने लगे। ओ भाई आरपीजी हाथ में, अबे ये क्या आ गया भाई, इससे बंदे मरेंगे नहीं। अबे भाई हाथ में आरपीजी ले ले। ओके ये, ओ भाई उन लोग भाई आरपीजी चला रहे हैं यार, उन लोग भी आरपीजी चला रहे हैं। ये ले भाई, अब तो पूरी तरह से भाई ट्रंप मर चुके होंगे। भाई देखो मैंने पूरी तरह स्मैश कर दिए। ये लो भाई, ओ भाई हमारी हेलीकॉप्टर कहाँ गई भाई? ओ तेरी हेलीकॉप्टर भी उड़ गई। ओ तेरी भाई साहब, इन लोगों ने उड़ा दिया हेलीकॉप्टर भी। वो लोग समझ चुके होंगे कि भाई ये बंदा हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करेगा। अबे मेरे को भागना है, यहाँ से निकलना है पहले फुर्सत में, वरना पकड़े जाने पे भाई बहुत यार कितने सालों की जेल होगी, कोई कुछ नहीं बोला। ओ भाई पूरी तरह से बुलेट प्रूफ जैकेट मैंने पहले ही पहन ली थी, कहीं कुछ बोलेगा नहीं। मैं सोच रहा हूँ इधर से पहले फुर्सत में निकलने के लिए। ओ मेरे को अभी याद आया, वहाँ पे दो हेलीकॉप्टर खड़े थे, तो एक हेलीकॉप्टर पे भाई मैंने तो उठा के लाया था, बट एक हेलीकॉप्टर और वहाँ पे मौजूद होगा। तो फटाफट से जाते हैं हेलीकॉप्टर, वहाँ पे चढ़ते हैं एंड हेलीकॉप्टर लेने के बाद मेरे को सारा चीज़ पता है, क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या करना है। अभी देख लो इतने सारे बंदे भाई पूरी तरह से रेड रेड मैप में दिखाई दे रहा है, मतलब यार इतने सारे बंदे मेरे पीछे पड़े, एक बंदे के पीछे। तो अभी मेरे को हेलीकॉप्टर पे जैसे मतलब जैर फटाफट से चलते हैं। वहाँ पे पहले मैंने एक देख लिया था कि हेलीकॉप्टर मौजूद है एंड एक और हेलीकॉप्टर मैंने उठाया था। ये भाई ये यहाँ पे भाई एरोप्लेन भी है, बट एरोप्लेन उड़ाने में कुछ टाइम लग जाएगा। भाई मारते चलो क्या एक दो बंदों को, रुको भाई एक दो को तो सल्टा कर चलता हूँ। ये ले पट से हेडशॉट, भाई बच जा रहा है यार, पट से हेडशॉट। भाई यहाँ से पहले फुर्सत में निकलना जरूरी होगा, बहुत सारे बंदे आ रहे हैं। 5 स्टार की पुलिस लगी है, हम लोगों ने प्रेसिडेंट को मार दिया यार। ये ले, ओहो भाई सारे कूड़ा डालो पहले। ये देखो भाई जैसा कि मैंने बोला था एक हेलीकॉप्टर वहाँ पे खड़ी थी, तो फटाफट से हम लोग हेलीकॉप्टर लेते हैं एंड उसके बाद में देख लेंगे भाई क्या होता है ठीक है। तो फटाफट से जाते हैं हेलीकॉप्टर लेना है भाई। बच जा, रुक जा भाई, मारो मत यार, मेरे को जाने दो यहाँ से अब। ओ भाई साहब जीप देख रहे हो क्या, मस्त जीप आ रही है यहाँ पे। तो हम लोग फटाफट से चलते हैं भाई, हेलीकॉप्टर ब्लास्ट मत हो जाए भाई, इतने सारे बुलेट पड़ रहे हैं।
ओ तेरी टैंक आ गया यार, कूदना पड़ेगा मेरे को, कूदना पड़ेगा। ओ भाई कूद जा भाई, लो कूद गया, ओ भाई फट गई, कूद गया। वैसे तो मैं कूद चुका हूँ भाई यार, वैन वक्त पे मैं कूद गया, वरना भाई इसी में मर जाता यार। उसने टैंक से फोड़ दी, वो सामने एक एरोप्लेन दिख रही है मेरे को, एरोप्लेन से जाने में मस्त आइडिया आएगा। देखो भाई एरोप्लेन कैसे भी टेक ऑफ कर लेना है यहाँ से भाई, थोड़े से रनवे में ही टेक ऑफ करना पड़ेगा। चलते हैं फटाफट से पीछे, देख रो इतने सारे फोर्स लगे हैं मेरे को मारने के लिए, मारेंगे या भाई कैच करके जेल ले जाएंगे मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट भाई पहले फुर्सत में यहाँ से पहले निकलता हूँ, मेरे को सामने एक एरोप्लेन दिख रही है, छोटी सी प्राइवेट जेट है भाई, किसकी है पहले जाके देखेंगे। ओ तेरी ये मतलब जानी पहचानी सी लग रही है, ये तो भाई दो दो प्लेन है यार। ओ तेरी ये तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की है भाई, गोल्ड वाली। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी थी, इसको मैंने चुराया था फ्रैंकलिन ने, एंड भाई फ्रैंकलिन ने जेल भी गया था इसके चुराने के कारण। फिर से हम लोग यहाँ पे चुराने की कोशिश कर रहे हैं भाई। चलो भाई यहाँ से भाई पहले फुर्सत में निकलने की कोशिश करते हैं, इतने छोटे से रनवे पे भाई टेक ऑफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर भाई हो सके तो भाई ब्लास्ट भी हो सकती है। ओ ओ ओ ओ ओ फाइनली गाइज हम लोग यहाँ से टेक ऑफ करने में कामयाब हो चुके हैं, एंड लो भैया आप कोई नहीं मार सकता। बट भाई एयरफोर्स वालों से बच के रहना, देखो नीचे प्लेन आ रही है, हेलीकॉप्टर्स वगैरह आ रही है, बट जेट मत आए चाहे एयरफोर्स वालों की, वरना जेट आ गई तो फाड़ के रख देंगे। तो इसी कारण से मेरे को अभी बच के रहना है, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ पे हम लोगों को जाना है भाई, मज़ा आने वाला है। अभी हम लोग प्लेन मतलब प्लेन हमारे कब्जे में है, एंड ये जो है पीएम मोदी की है, तो और भी खास बात रहेगी कि हम लोगों ने भाई फिर से गोल्डन प्लेन चुरा लिया है। फ्रैंकलिन को भाई इसी के कारण जेल जाना पड़ा था, एंड जेल जाने के बाद हम लोगों ने उसको कैसे छुड़ाया था, यानी कि माइकल ने, आप लोगों ने वीडियो उसकी नहीं देखी तो देख लेना। अभी हम लोग भाई फिर से ले जा रहे हैं, एंड इसको लैंड करना भाई एक ही मतलब है, ड्राइवर का एक एयरपोर्ट का अड्डा, जहाँ पे भाई वो पूरी एरोप्लेन वगैरह चुरा के रखता रहता है, मतलब चोरी करके रखते रहते हैं, तो वहीं पे हम लोग जाने वाले हैं। एंड स्टार वगैरह हटने वाली है, मतलब यार प्लेन से जाओगे तो ज़्यादातर जो भी है स्टार वगैरह हटते रहते हैं, हटते जाते, आप लोग ऊपर देख भी सकते हो। तो हम लोग भाई मैं सोच रहा हूँ कि इसको टेक ऑफ करा मतलब लैंड करा दूँ ऐसी जगह, मतलब ड्राइवर जहाँ पे रहता है वहीं पर, ड्राइवर भाई वहाँ पे जैसे पहले वाले जो फ्रैंकलिन ने इस वाले प्लेन को चुराया था वहीं पे लैंड कराया था। मैं भी सोच रहा हूँ वहीं पे करा दूँ। अभी तक भाई बंदे पुलिस पीछे पड़ी हुई है, स्टार वगैरह नहीं हट रही है, जो ऑटोमेटिक हटेगी तब हम लोग सुरक्षित लैंड कर पाएंगे, वरना जहाँ पे भी लैंड करेंगे वहाँ पे पुलिस आ जाएगी पूरी भाई अपनी आर्मी लेके। तो अभी हम लोग वेट करते हैं, ओ भाई हट जाए यार, कब हटेगा यार, इतनी मैं उड़ा रहा हूँ, कब से उड़ा रहा हूँ, कब हट जाएगा, हटेगा भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो भाई हटना, ओ तेरी हट गई फाइनली गाइस, यहाँ पे भाई स्टार वगैरह हट चुकी है, एंड अब जो है हम फाइनली लैंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब प्लेन जो है हमारे कब्जे में आ चुका है, एंड इस प्लेन में जाके फटाफट से जीपीएस सिस्टम निकलवा देना है ड्राइवर और लेस्टर से बोल के, एंड उसके बाद फिर इसको हम लोग बिग माफिया या कोई भी बड़े माफिया या गैंग से बेचेंगे इस वाले प्लेन को, या बिजनेसमैन से। भाई पूरी तरह से गोल्ड है, गोल्डन कलर की, पूरी तरह से सोने की परत चढ़ाई गई है, तो भाई कितने करोड़ों में बेचेगी कोई मतलब यार कोई ठिकाना नहीं है। तो ये रहा भाई ड्राइवर, यहीं पे काम करता है, तो यहाँ पे फटाफट से हम लोग लैंड करा लेते हैं। एंड भाई लैंड कराने तो मेरे को आता नहीं है, बट जैसे तैसे हम लोग लैंड कराने की कोशिश करेंगे भाई। पूरी तरह से गोल्ड है, ओके राइट में लेते हैं। ओहो भाई साहब मज़ा आएगा कुछ, ओके ओके ओके, ओ भाई मेरे को डर भी लग रहा है कि कैसे मैं नीचे उतारूँ। उतर जा भाई आराम से, ओ भाई उतर जा। ओ ओ ओ हो हो भाई, तो फाइनली गाइज यहाँ पे हम लोग फाइनली मतलब अच्छे से लैंड कर चुके हैं, एंड प्लेन जो है हमारे कब्जे में आ चुकी है। तो देखो भाई प्लेन जो है पूरी तरह से गोल्ड है, ये भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की थी, तो उस टाइम तो फ्रैंकलिन पकड़ा गया था, अब इस टाइम भाई पकड़े नहीं जाने वाले हैं हम लोग। इसको पूरी तरह से GPS इनेबल कर देंगे भाई, पहले मतलब डिसेबल कर देंगे, पहले से इनेबल होगा तो। तो फाइनली हम लोगों ने भाई उस प्रेसिडेंट को भी मार दिया, पीएम मोदी की ये गोल्डन सुपर जेट भी चोरी कर ली। तो काफ़ी दो मिशन इस वीडियो में कंप्लीट हो गए, एंड वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही बनता है भाई, सब्सक्राइब बनता है यार, इतनी मस्त वीडियो बनाई है मैंने। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।